तो इस बार का जो Redmi Note 12 सीरीज वो तो उतना ज्यादा खास नहीं था, और इसके अंदर जो प्रोसेसर इस्तेमाल हुआ है वो भी ठीक ठाक नहीं है। और अगर में से कुछ लोग सोच रहे कि अगर इसके अंदर मतलब नया वाले जो Redmi Note 13 आएगा, अगर इसके अंदर Dimensity 7200 जैसा अगर प्रोसेसर होता तो बहुत बढ़िया रहता, तो आपका विश फुलफिल होने वाला है। क्योंकि इस बार सिर्फ Redmi Note 13 में नहीं, Redmi Note 13 सीरीज के अंदर आपको Dimensity 7200 जैसे इतना बढ़िया प्रोसेसर मिलेगा, और उसके साथ जो बैटरी और चार्जिंग का कॉम्बिनेशन वो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। इसलिए इस वीडियो में आपको Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro और Redmi Note 13 Pro Max ये तीन फोन के बारे में अभी तक जितना स्पेसिफिकेशन मालूम चला है उसका सारा इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त खबर। आज का वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप गैजेटोल चैनल पर नए हैं और ऐसी टेक रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो गैजेटोल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो पहले तो हम बात करेंगे स्मार्टफोन की डिजाइन के बारे में। तो देखिए अभी ये जो स्मार्टफोन बस सर्टिफिकेशन साइट में आ चुका है और जो स्पेक्स लीक हुआ है, तो इसीलिए इसका जो डिजाइन इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं। लेकिन जितना मुझे लग रहा है, क्योंकि रिसेंटली जो पोको F5 लॉन्च हुआ है उसका डिजाइन हमें जो अपकमिंग Redmi 12 प्राइम में हमें देखने को मिलेगा, तो इसलिए मुझे लग रहा है शायद इस बार का जो Redmi Note 13 सीरीज उसका भी डिजाइन जो पोको F5 ऑलमोस्ट उसके जैसा ही होगा। पहले तो हम बात करेंगे Redmi Note 13 के बारे में। तो कहा जा रही कि इसमें आपको मिलेगा 6.67 इंच फुल HD प्लस 120Hz सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 360Hz का टच सैम्पलिंग रेट। प्रोसेसर में आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर। कैमरे के मामले में मिलेगा 64 या फिर 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, उसके बाद 8 और 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर, और फ्रंट में मिलेगा 16 मेगापिक्सल का सेल्फी। रैम और स्टोरेज के क्वालिटी में आपको मिलेगा LPDDR4X और UFS 2.2 का कॉम्बिनेशन। 6000mAh बैटरी और 67W का चार्जिंग सिस्टम इसमें आपको मिलेगा। तो मतलब इधर में ये चीज कह सकते हैं, प्रोबेबली 2 साल पहले इंडिया में जो पोको X4 प्रो लॉन्च हुआ था उसका जो स्पेसिफिकेशन था उससे ही थोड़ा सा घुमा फिरा के ये फोन लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि इसका जो डिस्प्ले प्रोसेसर कैमरा वो एग्जैक्टली पोको X4 प्रो जो कि इंडिया में लॉन्च हुआ था एग्जैक्टली उसके जैसा ही है। अपग्रेड में आपको मिलेगा बैटरी में अपग्रेड, क्योंकि इसमें आपको मिलेगा 6000mAh बैटरी, और ये चीज ध्यान में रखना एग्जैक्टली इसी स्पेसिफिकेशन के साथ पोको X4 प्रो मैंने देखा था प्रोबेबली 1 साल पहले इंडिया पे बिक रहा था 15 या फिर 16000 पे। तो इसका मतलब बैटरी को 1000mAh ज्यादा करके सेम फोन इंडिया पे 17000 के आसपास लॉन्च किया जाएगा, जो कि मेरे ख्याल से एक ठीक ठाक लेने लायक स्मार्टफोन होगा। इसके बाद जो दूसरा स्मार्टफोन मेरे ख्याल से वो ही होगा सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी, उसका नाम है Redmi Note 13 Pro। इसमें आपको मिलेगा 6.67 इंच फुल HD प्लस फ्लैट 120Hz सुपर एमोलेड डिस्प्ले, उसके साथ 360Hz का टच सैम्पलिंग रेट। लेकिन प्रोसेसर में आपको मिलेगा Dimensity 7200 5G प्रोसेसर, जो कि इस प्राइस पॉइंट में आने वाला है इंडिया का पहला फोन होने वाला है। और ये चीज मैं बोल देता हूँ, ये जो प्रोसेसर बिल्कुल नया जनरेशन का जो CPU कोर उसके साथ लॉन्च हुआ था और काफी एक पावरफुल या फिर ऑप्टिमाइज प्रोसेसर है। कैमरे में आपको मिलेगा 108, 8 और 2 का DR कैमरा, 20 मेगापिक्सल का सेल्फी, LPDDR4X और UFS 2.2 का होगा कॉम्बिनेशन। बैटरी और चार्जिंग में इसमें भी आपको मिलेगा 6000mAh बैटरी और 67W का चार्जर। और कहा जा रहा है कि इस स्मार्टफोन का प्राइस इंडिया में होगा 21 या फिर 22000 के आसपास, मतलब ये जो स्मार्टफोन इंडिया पे जो अभी पोको X5 प्रो अवेलेबल है उससे थोड़ा सा नीचे लॉन्च होगा, क्योंकि पोको X5 प्रो के अंदर का जो स्नैपड्रैगन 770G प्लस उससे स्लाइटली डाउनग्रेडेड या फिर हम कह सकते कि ऑलमोस्ट सेम लेवल का प्रोसेसर है Dimensity 7200, मतलब काफी पावरफुल प्रोसेसर है। इसलिए ऑब्वियसली ये जो फोन इंडिया पे जो पोको X5 प्रो अवेलेबल है प्रोबेबली 23000 पे उससे स्लाइटली कम में लॉन्च होगा, मतलब 21-22000 पे लॉन्च होगा। और अगर मैं मेरा ओपिनियन देता हूं तो इसका जो स्पेसिफिकेशन मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। पहली बात तो डिस्प्ले ठीक ठाक है, प्रोसेसर नो डाउट इसका बहुत बढ़िया है, और उसके साथ 6000mAh बैटरी और 67W का चार्जिंग सिस्टम, यही चीज मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। तो इसीलिए Redmi Note 13 सीरीज के अंदर मेरे ख्याल से जो प्रो वाला एडिशन सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। और इसके बाद हर बार की तरह प्रो मैक्स वाला ऑप्शन आएगा। कहा जा रहा है कि इसमें आपको मिलेगा वही सेम 6.67 इंच फुल HD प्लस प्रोबेबली कार्ड 120Hz सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 360Hz का टच सैम्पलिंग रेट, Dimensity 7200 5G प्रोसेसर, आइदर 108 मेगापिक्सल या फिर 200 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, प्रोबेबली 108 मेगापिक्सल होने की सबसे ज्यादा चांस है, उसके साथ 8 और 2 मेगापिक्सल का बाकी के सेंसर, 16 मेगापिक्सल का होगा सेल्फी, LPDDR4X और UFS 3.1 का होगा कॉम्बिनेशन, 5500mAh बैटरी
और 120 वाट का चार्जिंग सिस्टम इसमें आपको मिलेगा। अभी ऐसा मत समझना कि ये जो नया वाला स्मार्टफोन लास्ट ईयर जो लॉन्च हुआ था Redmi Note 12 Pro Max उसका अपग्रेड वर्जन होगा, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 30,000 पे वो जो स्मार्टफोन अभी तो बिक रहा है, अगर ये वाला फोन लॉन्च होगा तो वो फोन बिकना बंद हो जाएगा। तो इसलिए डेफिनेटली ये जो फोन इंडिया पे लॉन्च किया जाएगा वही 25,000 के आसपास, क्योंकि पहली बात तो इसका जो कैमरा सेंसर प्रोबेबली इसमें आपको मिलेगा 108 मेगापिक्सल कैमरा, जिसके कारण इस फोन को Redmi Note 12 Pro Max के साथ एक डिफरेंस किया जा सके और उसके साथ इसके डिस्प्ले में भी आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो स्मार्टफोन लास्ट ईयर जो लॉन्च हुआ था Redmi Note 12 Pro Max उसके लाइटर एडिशन या फिर एक डाउनग्रेड वर्जन होने वाला है, लेकिन जो भी हो इस बार हमें Redmi के स्मार्टफोन में Dimensity 7200 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। और आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जो अभी तक तीनों फोन का लीक्स मिला है सभी का एक ही कॉमन चीज है, सबसे ज्यादा बैटरी या फिर सबसे ज्यादा चार्जिंग का कॉम्बिनेशन, जो कि मेरे ख्याल से सभी ब्रांड को करना चाहिए। तो अभी आप मुझे कम से जरूर बताने कि अभी तक Redmi Note 13 के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मालूम चला है उस हिसाब से कौन सा वाला वेरियंट आपको सबसे बढ़िया लगा, इसके बारे में मुझे जो कमेंट लिखा है बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।